हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो हम करने वाले हैं यूनिट 4 से, मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। राधा एंड हर फैमिली लिव्स नियर एन ऑर्फनेज। एवरी ईयर्स ऑन फेस्टिवल्स एंड बर्थडे दे ऑल विजिट दिस ऑर्फनेज टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। जो राधा और उसकी फैमिली है वो एक ऑर्फनेज के नज़दीक रहती है, तो हर जो उसके बर्थडे पे या किसी फेस्टिवल पे वो क्या करते हैं, ऑर्फनेज में विजिट करते हैं और कुछ स्वीट्स क्या करते हैं, उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राधा हैज़ मेड मैनी फ्रेंड्स देयर। उसने, राधा ने वहाँ पर काफ़ी अपने दोस्त बना लिए थे। एंड दिस ईयर शी हैज़ इन्वाइटेड ऑल 36 चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज फॉर हर बर्थडे पार्टी। इस बर्थडे पे उसने जो 36 चिल्ड्रन थे कहाँ पर, ऑर्फनेज में, उन सबको बुलाती है, बुलाने का सोचती है, इनवाइट करती है अपने बर्थडे पार्टी के लिए। एंड राधा डिसाइडेड टू गिव देम रिटर्न गिफ्ट। और राधा डिसाइड करती है उनको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। एंड फॉर दिस शी ब्रॉट पेंसिल बॉक्सेस कॉस्टिंग ₹65 ईच। तो उनके लिए क्या करती है, पेंसिल बॉक्स खरीदती है, सबके लिए पेंसिल बॉक्सेस लेती है, जिसमें हर एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट क्या होती है, ₹65। शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे हैप्पीली। तो वो अपना अच्छे से खुशी खुशी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम अब सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी डिड राधा स्पेंड टू बाय रिटर्न गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन। यानी कि इसमें पूछा गया है कि राधा ने कितनी मनी स्पेंड की उन बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। तो अब एक बात है, सिंपल सी है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे टोटल कितने थे, कितने स्टूडेंट थे, कितने चिल्ड्रन थे ऑर्फनेज में, 36। तो 36 चिल्ड्रंस को उसने गिफ्ट दिया और एक गिफ्ट की कॉस्ट कितनी थी, 65। तो अगर हम 36 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका। सो मल्टीप्लाई नाउ 36 मल्टीप्लाई बाई 65, वंस टेंस 100, 5 6 30 कैरीज 3, 5 3 15 प्लस 3 इज़ 18, 6 6 36 कैरीज अगेन 3, 6 3 18 प्लस 3 इज़ 21, 0। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 प्लस 6 इज़ 14, 2 प्लस 1 इज़ 3 एंड 2। सो उसने कितनी मनी स्पेंड की, ₹2,340 उसने स्पेंड किए, किसके लिए, उनको जो गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट किया। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, सजेस्ट एनी टू वे इन विच यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज। इस क्वेश्चन में कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो आप इसमें अपनी तरफ से भी जो आपको अच्छा लगता है, आपने बस सजेस्ट करना है कि हम क्या गिफ्ट कर सकते हैं जो ऑर्फनेज के चिल्ड्रंस हैं, उनको किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है टू वे इन विच यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फनेज, तो आप कोई भी दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, अपने तरीके से आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं सेकंड का आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। नंबर 1, बाय गिविंग बुक्स। आप अपनी गिफ्ट जो बुक्स वगैरह हैं वो नहीं दे सकते हैं, बाय गिविंग बुक्स आप उन्हें अपनी बुक्स दे सकते हैं, आप उन्हें क्लोथ्स दे सकते हैं, आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और सेकंड अब क्या आ जाएगा कि आपने मान लो कोई भी अपने फेस्टिवल वगैरह है उन पे उनको इनवाइट करेंगे तो उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है, तो हम ये भी कर सकते हैं, बाय मेकिंग देम ए पार्ट, बाय मेकिंग देम ए पार्ट ऑफ, मेकिंग पार्ट इन अवर फेस्टिवल्स। आपके पास जो भी, अब आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी फेस्टिवल देख सकते हैं, लाइक दिवाली, बर्थडे है किसी का, या इंडिपेंडेंस डे है, किसी पे भी आप उनको अपनी फैमिली में बुलाकर उनका पार्ट बनाएंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये उससे उनकी हेल्प भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, सजेस्ट सम आइटम्स विच कैन बी गिवन एज रिटर्न गिफ्ट विदाउट परचेजिंग दैम। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ऐसा कुछ गिफ्ट देना है उनको, लेकिन आपको मनी स्पेंड नहीं करनी है, तो ऐसा क्या गिफ्ट हो सकता है। अब ऐसे गिफ्ट में तो हम हैंडमेड यूज कर सकते हैं, जैसे हैंडमेड हमारे पास कुछ है, हैंडमेड में लाइक हम कार्ड्स दे सकते हैं उनको, जैसे बर्थडे कार्ड, ठीक है, दिवाली का कार्ड, या फिर हम हैंडमेड उनको पेंसिल्स कार्ड, जो पेंसिल रखने के लिए स्टैंड होता है वो हम अपने घर पर बनाकर उनको दे सकते हैं, या फिर हम फ्लावर्स वो उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बिना प्राइस के ही परचेज करके और इन्हें दे सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर यूनिट्स। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।